देखो दानियाल, वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, रामीन नहीं मिलेगी तुमसे। मैं फिर भी रामीन से मिलने जाऊंगा, मैं तायबू से कहूंगा कि उसे समझाएं। और वो जैसे अंकल की बात मान जाएगी, है ना? तो फिर मैं और क्या करूं? बताओ मुझे तुम, उसका इंतजार करता रहूं मैं यहाँ पे, उसका एहसास लिए अंदर ही अंदर मरता रहूं, अपनी खुशियों को, अपने ख्वाबों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखता रहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा रामीन से, उसे समझाऊंगा। As you wish. अगर तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, तुम चले जाओ उससे मिलने, लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। आज अगर रामीन तुमसे नहीं मिली तो तुम भी आज के बाद उसका नाम नहीं लोगे जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ये तुम क्या कह रही हो? इस बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आज रामीन से मिलने जाऊंगा, अगर उसने मना कर दिया मैं कल भी मिलने जाऊंगा उससे। वो मना करते करते थक जाएगी, लेकिन मैं उसे मनाते मनाते नहीं थकूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं रामीन को मनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम क्यों जाओगी मेरे साथ? वो इसलिए कि तुम्हारा अकेले ड्राइव करना ठीक नहीं है, देखो ना तुम्हारा बीपी एकदम से अप एंड डाउन हो जाता है, इसलिए मैं। बेकार की बात मत करो अलवीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं गाड़ी चला सकता हूँ। हर बात में तुम्हारी जिद नहीं चलेगी दानियाल, मैंने कह दिया कि मैं जाऊंगी तो इट मींस मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। है ना तुम्हारी एक बहन जिसने सारे खानदान को परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। जी मॉम, एक्चुअली मुझे भी आप सलवीना के बारे में बात करनी थी। क्या बात है फैजान, सब ठीक है ना? मॉम अभी तक तो खैरियत है, लेकिन आगे कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। साफ साफ बात करो ना, क्या बात है? मॉम अभी मैंने दानियाल को फोन किया था, पता चला अलवीना उसके घर पर है। What? अलवीना दानियाल के घर? जी मॉम, अलवीना जब से यहाँ आई है बहाने बहाने से दानियाल से मिलने चली जाती है। इनफैक्ट जिस दिन वो मरी से यहाँ आई थी उस दिन भी मेरे साथ ऑफिस जाने के लिए कह रही थी। She just want to meet दानियाल। और मुझे समझ नहीं आता अलवीना ऐसा क्यों कर रही है। मॉम आप प्लीज अलवीना को समझाएं, यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है, दानियाल की अपनी फैमिली है, पता नहीं दानियाल की बीवी क्या सोचती होगी अलवीना के बारे में। तो दानियाल क्यों अलवीना के साथ घूमता फिरता है, उसे अकल नहीं है क्या? मॉम मैं दानियाल को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और अलवीना को भी। दानियाल को तो ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं होती कि वो इन सब चक्करों में पड़े, ये अलवीना ही है जो उसे बार बार डिस्टर्ब करेगी। मॉम प्लीज फॉर गॉड सेक आप अलवीना को समझे, उसने अपनी लाइफ तो तबाह कर दिया, दानियाल का घर बर्बाद ना करे। तायबू आप रामीन से बात कर कर तो देखें, वो मान जाएगी, सिर्फ एक बार बात कर ले। बेटा मैं उससे अभी किस तरह बात कर सकता हूँ, वो पहले ही रुखसाना बहन के इंतकाल की वजह से बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दफा मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाएगा ना तो सही हो जाएगा सब कुछ। अगर उस शख्स के बारे में नहीं पता चला हमें तो फिर ये मसला अटका रह जाएगा और कभी सही नहीं होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल बजा है दानियाल, लेकिन अभी रामीन की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। एक काम हो सकता है, आप नर्स को उसके पास भेजें, अगर वो इजाजत देती है तो हम दोनों साथ चलेंगे, मैं आपके सामने उससे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं कहता हूं।
दानियाल, अगर तुमने उस शख्स को ढूंढ लिया तो तुम्हें लगता है कि रामीन तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी? वो मैं अपनी आखिरी सांस तक उसे मनाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मान जाए। मेरी दुआ है कि रामीन तुम्हें माफ करते। कोई भी बाप अपनी औलाद को कैसे तकलीफ में देख सकता है। तुम जाओ और उससे जाकर कह दो कि मैं सो रही, मुझे नहीं मिलना उससे। आप एक बार मिल तो ले हमसे, वो बहुत परेशान लग रहे हैं। होगा वो परेशान, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। थक गई हूं मैं, तंग आ गई हूं इन सब चीजों से। तुम उससे जाकर कह दो जो मैंने कहा है, प्लीज। जी ठीक। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो दानियाल, जितने बार भी मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम मेरी और मेरे बच्चे की सूरत तक देखने को तरस जाओगे। दानियाल, जब तुम अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए राजी नहीं तो मैं क्यों? मैं भी तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं भी तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। और वो रानी, जब वो अपनी नफरत में कमजोर नहीं पड़ रही, दानियाल उसकी मोहब्बत में कमजोर नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों कमजोर पड़ूं? ये सिर्फ दानियाल के वक्ती जज्बात है। मैं इस आग को बुझा कर धुएं में तब्दील कर दूंगी और तुम्हें तुम्हें सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा दानियाल। हाँ हाँ, लेकिन तुमने मुझे इनसिक्योर जरूर कर दिया, मगर मैं जानती हूँ तुम मेरे थे और तुम्हें मेरा ही रहना है। शामी, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दानियाल से कोई ताल्लुक ना रखो। मैं तुम लोगों के दरमियान नफरत भी नहीं देखना चाहती। दानियाल, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे मामले में बेबस हूँ, तुम्हारी सोच पर किसी का साया हूँ। मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो किसी और को तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त करूं? दानियाल, तुम फिक्र मत करो, मैं रामीन से सारी मालूमात हासिल करके तुम्हें फोन कर दूंगा। हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। हौसला रखो, ऐसे मौकों पर हौसला ही सबसे बड़ा हल और राह सजाने का तरीका होता है। ठीक है तायबो, रामीन आपको जैसे ही कुछ भी बताए आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं चलता हूँ, आप प्लीज रामीन का ख्याल रखिए। तो ये अलवीना के साथ मुझसे मिलने आया था तानिया? तुम बात करने आए थे या बात बताने? आखिर तुमने मेरी जगह किसी और को दे ही दी दानिया।
क्या हुआ दानियाल? तुम्हारी बात हुई रामीन से? कुछ बताया उसने उस शख्स के बारे में? दानियाल कुछ बोलो भी, क्या कह दिया रामीन ने जो तुम इतने उदास हो? रामीन सो रही थी, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। देखा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो तुम्हें उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताएगी। अरे वो तो तुमसे मिलना ही नहीं चाह रही थी, तभी तो उसने झूठ बोला कि वो सो रही है। खैर छोड़ो, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह चलते हैं और जाकर कुछ खाते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। हाँ मुझे कहीं नहीं जाना अलवीना, मैं तुम्हें घर छोड़कर घर जाके आराम करना चाहता हूँ। कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ मैं। नहीं दानियाल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी बात मानो, कहीं चलकर कुछ खाते हैं प्लीज। मैंने कह दिया ना अलवीना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाके आराम करना है। अच्छा तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हाँ? फिर तुम घर जाके आराम। तुम्हारी बात समझ क्यों नहीं आ रही अलवीना? मैंने तुम्हें कह दिया मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे फोर्स मत करो। रामीन मैडम। हम्म। आज आपके हस्बैंड आए थे, आप उनसे मिली क्यों नहीं? मैं उससे मिलना नहीं चाहती, उससे मिलकर सिर्फ मेरे दुख में इजाफा होता है और कुछ नहीं। मगर वो तो बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे सर से, और आपके लिए फिक्रमंद भी थे। जिन लोगों के पास मीठे लफ्ज होते हैं ना, उन लफ्जों में जहर भी रखते हैं, और दानियाल भी ऐसे ही है। फिर भी मैडम, आपको उनसे मिलना चाहिए था, हो सकता है वो पहले जैसे ना रहे हो, बदल गए हो। वक्त के साथ सब बदल जाता है। अगर वक्त बदला होता तो शायद खुद को तसल्ली दे देती मैं, लेकिन यही तो दुख है कि वो बदल गया है, उसके लिए मैं किसे कसूरवार ठहराऊं? क्या मतलब? तुम बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छीन ले और तुम बेखबर होकर उसे से प्यार करती रहो, और कुछ अरसे बाद जब उसके जुर्म का पता चले तो तुम क्या करोगी? अगर वो भी मुझसे प्यार करता होगा तो मैं भी उसके लिए अपनी प्यारी चीज को भूलने की कोशिश करूंगी। कसूर अगर उसका है तो कसूर मेरा भी होगा कि मैंने उसे प्यार किया। तारियान ने भी एक जुर्म किया है, इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहती। वो जब भी यहां अपनी सफाई पेश करने आते हैं, मुझे हर बार ये याद आता है कि वो ही कसूरवार है। आप इस डर से तो उन्हें नहीं लौटा देती हैं कि कहीं उन्हें देखकर आपकी मोहब्बत उनके कसूर पर गालिब आ जाए और उन्हें माफ कर दें?
क्या हुआ मॉम? चुप रहो, ये बताओ कि सुबह से कहाँ थी तुम? मॉम मैंने आपको बताया तो था, आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं? और वैसे भी मैं आप कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपको अपना पूरा रूटीन बताऊं। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी, जो पूछे उसका जवाब दो। एक दोस्त के साथ थी। मिल गया जवाब? कौन दोस्त? Are you all right? आज आप मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रही हैं कि कहाँ थी, किसके साथ थी? बता दिया कि एक दोस्त के साथ थी। प्लीज अपने काम से काम रखें। मेरा यही काम है कि मैं तुम्हारी खैर खबर रखूं। सुबह से रात तक बिना बताए तुम इधर से उधर फिरती रहती हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो किसने आपसे कहा कि आप बर्दाश्त करें? प्लीज मुझे मेरी लाइफ उस तरह से गुजारने दें जिस तरह मैं चाहती हूँ, और मैं अपनी जिंदगी और अपने फैसलों में बिल्कुल आजाद हूँ। नहीं हो सकता। एक घर में रहने के कुछ तौर तरीके और असूल होते हैं। अपनी मनमानी करने के बजाय दूसरों की सुनना पड़ती है। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम दानियाल की तरफ क्यों गई थी? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अलवीना ये मत भूलो कि अब वो शादीशुदा और अब वो तुम्हारा क्लास फेलो नहीं है कि उसके साथ इधर उधर घूमती फिरती रहो। मॉम मैं उसके साथ घूमने फिरने नहीं गई थी, उसकी तबीयत खराब थी, दैट्स व्हाई मैं उसके साथ थी। क्यों, उसकी बीवी कहाँ? और अगर तुम्हें उसकी तबीयत का पूछना ही था तो तुम फैजान के साथ जा सकती थी ना। मॉम प्लीज, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरा दोस्त है, मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट्स ऑल। और मुझे नहीं लगता कि मुझे मजीद जस्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मैं किसी को जवाब दे नहीं। मैं हूँ, मुझे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि तुम मेरी बेटी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे सब घर वालों की बातें सुनना पड़ती हैं। जिसको जवाब चाहिए उससे कहें कि मुझसे आके सवाल करें, फिर मैं उसे अच्छी तरह बताऊंगी। और वैसे भी आप कोई मेरी स्पोक पर्सन नहीं है, और ना ही आपको मेरी तरफ से किसी को जवाब देने की जरूरत है। ये है जियो।